हेलो नमस्कार, मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं एपिलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है द गिरीश वानखेड़े शो। आ देखे जरा, इस शो में मैं आपको बताता हूँ उन थिएटरिकल रिलीजेस के बारे में जो आपके घर के आसपास के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होती हैं, और इस शो में हम उन फिल्मों का एनालिसिस भी करते हैं। आज के शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2024 में वो कौन सी हॉलीवुड की फिल्म है जो आपके घर के आसपास के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होगी। हो सकता है ये इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम में भी होगी, और ये भी हो सकता है कि इन फिल्मों को सिर्फ इंग्लिश में ही लिमिटेड रिलीज़ भी हो। ये साल होगा सीक्वल्स का। हॉलीवुड में जिस तरीके से सीक्वल्स बन रहे हैं, सीक्वल्स, प्रीक्वल्स, ट्रैकवल्स, इस तरीके के जो भी उनके फ्रेंचाइजी की स्ट्रेंथ के साथ फिल्में देखने मिल रही हैं, मुझे लगता है कि ये साल भी फ्रेंचाइजी का ही रहेगा। और फ्रेंचाइजी की स्ट्रेंथ को हम ऑलरेडी जानते हैं, हमको मालूम है कि किस तरीके से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम का जो बिज़नेस इंडिया में था वो आज तक की हॉलीवुड फिल्मों का सबसे बड़ा बिज़नेस है। अब इस तरीके की फ्रेंचाइजी की जब बात करें तो इस साल फ्रेंचाइजी का जब साल है तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लैडिएटर 2 की। ये ग्लैडिएटर 1 का सीक्वल है और इसके भी डायरेक्टर रिडली स्कॉट ही है, और ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने पिछले साल हमको नेपोलियन दी थी। फिर ग्लैडिएटर 2 के बाद अगर हम फ्रेंचाइजी पे तो अपने को मिलेगी इनसाइड आउट का सीक्वल। अब हम सब सीक्वल्स की बात कर रहे हैं तो ड्यून 2 भी आएगी। ड्यून 1 ऑलरेडी सुपरहिट थी, साथ ही साथ एकेडमी अवार्ड्स में भी सराही गई थी। उसके बाद जब ड्यून 2 का सीक्वल आ रहा है तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो बरकरार है। फिर हमारे पास आएगी बैड बॉय 4, फिर होगी डिस्पिकेबल मी पार्ट 4, यानी कि चौथा इंस्टॉलमेंट आएगा इस जबरदस्त एनिमेशन फिल्म का जो आपको हतप्रभ कर देगा। फिर है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स, वो फिर से फ्रेंचाइजी है, एक बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके अलावा फिर सबसे बड़े फ्रेंचाइजी की जो बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, वो है फ्यूरियोजा द मैडमैक्स सागा। ये 5वां इंस्टॉलमेंट है मैडमैक्स फ्रेंचाइजी का, और मुझे लगता है कि ये फिल्म भी आपको पूरी तरीके से फ्लोर कर देगी। और फिर इस साल मॉन्स्टर वर्स लेके आ रहा है गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग, यानी कि आपको फिर दो बड़े मॉन्स्टर्स गॉडज़िला और किंग कॉन्ग देखने मिलेगी एक ही फिल्म में। और हाँ, ये मत भूलिए कि इस साल कुंग फू पांडा का चौथा इंस्टॉलमेंट भी आ रहा है, कुंग फू पांडा पार्ट 4। इन सीक्वल्स और फ्रेंचाइजीज के अलावा एक जो सबसे इमिनेंट फ्रेंचाइजी होगी वो है डेडपुल 3। अब डेडपुल के प्यार से, उसके लव हिट रिलेशनशिप से आप कैसे बच सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि इतना एंटी सुपर हीरो मैंने जिंदगी में कहीं देखा है। We'll see what the hell the writers come up with this time. इसके अलावा जो स्टैंड अलोन फिल्म है जिसमें इफ नाम की एक जबरदस्त फिल्म है, उसके अलावा द फॉल गाय है जिसमें रायन गॉसलिंग है। तो ये था इस साल के कुछ हॉलीवुड फिल्मों का लेखा जोखा। इसके अलावा मेरा और एक शो है जिसमें मैंने साउथ इंडियन फिल्मों का भी लेखा जोखा दिया है, और साथ ही साथ कुछ बॉलीवुड फिल्मों के बारे में भी आपको बताया है। इन सारे शोज को अगर आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले एपिलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो को, या तो एपिलॉग मीडिया के इस ऐप को, और इस शो को जिसका नाम है गिरीश वानखेड़े शो। आ देखे जरा।